नमस्कार दोस्तों, राज एमटीडी में आपका स्वागत है। अभी मैं हंसियास के पास उस्मान जी तेली ट्यूबवेल पे आया हुआ हूँ। इनके घर में रात को भी सांप देखा गया था, मैं आया रेस्क्यू करने के लिए मगर वो कहीं घुस गया था। और अभी सुबह सुबह इसाद भाई का मुझे फोन आया और मैं सांप को रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ। सांप एक बिल के अंदर घुस गया है और मैंने थोड़ा सा पानी डाला तो बाहर आया, आप देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, जिस कोबरा को मैं रेस्क्यू करने के लिए आया था उसको करीब करीब मैंने रेस्क्यू कर लिया है। बहुत अच्छा और हेल्थी कोबरा है, करीब 20 साल का यह सांप हो सकता है। और एक बार मैं इसको डब्बे के अंदर पैक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। मम्मी ने कड़े मेरे नीचे
करना चाहते हैं। अरे दो दिन तबीयत बढ़ इस कोबरा को मैं रेस्क्यू करने के लिए आया था, उसको मैंने सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है और अब ले जाके मैं इसको दूर जंगल के अंदर रिलीज कर दूंगा। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने घर में साफ सफाई रखें। सांप हमें खाने के लिए घर पे नहीं आते हैं, सांप चूहे और मेंढक की तलाश में घर पे आ जाते हैं। तो घर में साफ सफाई रहेगी, चूहे और मेंढक नहीं रहेंगे तो सांप नहीं आएंगे। और इस तरीके के बड़े सांप बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो सांपों को मारे नहीं, जितना हो सके सांपों को बचाएं। सांप हमारे पर्यावरण के मित्र है, हमारे दोस्त है, हमारे दुश्मन नहीं है, तो जितना हो सके सांपों को बचाएं। और अगर कभी किसी को गलती से स्नेक बाइट हो जाए, सांप काट ले, तो तंत्र मंत्र झाड़ फूंक गोपा भेरू के चक्कर में ना पड़े और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाए, आपकी जान डेफिनेटली बच जाएगी। अगर आपने 2.5 से 3 घंटे झाड़ फूंक के चक्कर में खराब कर दिए तो आपकी जान कोई नहीं बचा सकेगा। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, राज एमटीडी में आपका स्वागत है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे मैंने उस्मान जी तेली के फार्म हाउस से जो कोबरा रेस्क्यू किया था उसको मैं जंगल के अंदर रिलीज करने आया हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, ये काफी टाइम से इसके अंदर परेशान भी हो गया है, अब मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। डब्बे से डर के कारण निकल नहीं रहा है, इसको अभी भी अपनी जान का खतरा लग रहा है। आज सुबह जब मैं इस सांप को रेस्क्यू करके वापस अपने घर पे गया था, क्योंकि दुकान की चाबी मैं भूल गया था घर पे ही, तो वापस घर पे गया था, तो मेरी मम्मी ने इस सांप को देखा, तो देखते ही मेरी मम्मी ने मुझे इतनी गालियां निकाली और इतनी कसमें दिलाई कि तू सांप नहीं पकड़ेगा। तो मैं समझ सकता हूँ और आप भी समझ सकते हो, वो एक माँ है तो उसको मुझसे बहुत प्यार है, हर माँ को अपने बेटे से होता है, और उसको ये लगता है कि कभी सांप मुझे काट लेगा, और काट भी सकता है दोस्तों, मगर क्या करूँ, सांपों को बचाना मेरी ज़िंदगी का धर्म बन गया है। तो मैं अपनी माँ को समझाऊंगा और उसको कहूँगा मुझे कसमें ना दिलाए, और मैं कभी रेस्क्यू के अंदर लापरवाही नहीं करूँगा, ये अपनी मम्मी से वादा करूँगा, और सांप के साथ स्टंट भी नहीं करूँगा, ये भी अपनी मम्मी को मैं भरोसा दिलाऊंगा। नमस्कार दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैंने इसको इसके नेचर में रिलीज कर दिया है, अब ये अपनी ज़िंदगी आराम से जिएगा। तो मैं सभी दोस्तों से, सभी शहरवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सांपों को मारे नहीं, सांपों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाए। ये सोच लीजिए मैं अपना समय खराब करता हूँ, अपनी जान खतरे में डालता हूँ, तो मैं किस लिए डालता हूँ, मुझे कोई इससे पैसे नहीं चाहिए या मुझे कोई इससे वो नहीं है, सिर्फ मैं सांपों की जान बचाना चाहता हूँ और सांपों से इंसानों को बचाना चाहता हूँ, मेरा ज़िंदगी का यही लक्ष्य है। आज मैंने इतने बड़े कोबरा की जान बचाई है, आप देख सकते हो। सांपों का हमारे पर्यावरण में रहना बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे पर्यावरण में सांप नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा।
और मैंने इतने बड़े नाग की जान बचाई है। तो दोस्तों मैंने इसको रिलीज कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम।